गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ, तो आप सभी को बता देती हूँ, ये हमारे घर का पीछे साइड है। और ये देखिए हमारे घर का बारी ये है जिस पे राम फल फला हुआ है। मेरे हस्बैंड आप सबको दिखाएंगे मोबाइल, सॉरी मेरे पैर पे कुछ गिर गया। तो ये देखिए राम फल, हमारे घर का राम फल दिख रहा है ना, ये देखो राम फल। तो बहुत सारे राम फल फले हुए हैं। और हमारे घर का आम भी ना फूल लग गया, आम पे ना मोर आ गए हैं, बोलते हैं ना आम मोर गया, क्या बोलते हैं जी? मोर आ गया बोलते हैं ना, तो वैसे ही आ गया हमारे घर का। और आपको ना हमारे घर के पीछे का एक पेड़ दिखाती हूँ, आम का पेड़। इतना सारा पूरा पेड़ फूलों से भर गया, आम का पेड़ ना पूरा फूलों से भर गया। हमारा आम का तो फूलों से नहीं भरा है, दो जगह बस फूल नज़र आ रही है। लेकिन ना ये पीछे में देखो, इतना सारा फूलों से भर गया है और इतना सुंदर लग रहा है। और छोटा छोटा कीड़ा इतना भिन भिन आ रहे हैं, देखो ना जी इधर से। हाँ देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसके नीचे ये देखो कितना सारा छोटा छोटा कीड़ा भिन भिन आ रहा है। और ये देखो मैं आप सबको जूम करके दिखाती हूँ, इतना बारीक कीड़ा है ना, देखो कैसे झिलमिला रहा है, एकदम मधुमक्खी जैसे। मच्छर है क्या पता नहीं, देख मिठुओं का आवाज आ रहा है, बच्चा है ना इसमें देखो। और इसी टाइम ना मिठू का बच्चा आता है, यही जनवरी में। तो वो तो मिठू भी तो है, लेकिन और नहीं मिठू निकालेंगे ना बेचारे को। लेकिन सच में है, उनकी माँ वहाँ पर खेल रही है, आवाज भी तो आ रहा है। यहाँ से आया देख सकते हो, इतनी बड़ी आम का पेड़ है और अभी भी ठीक से नहीं आ रही। अब आया ठीक से, देखो पूरी फूल से भर गई है आम, तो इस बार बहुत आम फलने वाला है। पूरे पेड़ पे है लेकिन धूप के कारण ना ठीक से नहीं दिख रही है। और हम जो जाते हैं ना वो ये पहाड़ है, इसी के पीछे जाते हैं। और देखो यहाँ से भी दिख, वो खा गए हैं, क्या बोलते हैं चमगादड़, कैसे खा गए हैं, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, तो ये जो दिख रहे हैं ना, ये ना पपीता है और चमगादड़ पूरी खा गई है पपीता को। और हमारा पपीता झर गया है, कुछ कुछ बस फल है, छोटा छोटा है, राम फल फल है। आप सबको राम फल दिखाती हूँ। ये देखिए ये एक फल है और उसके ऊपर में दो है, जूम करके दिखाऊँ, ये देखो एक उसके ऊपर में दो। और चिड़ियों की चीज़ें हाट कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पास दो है, ये देखो। आप सबको कैसा लगा? देखो मैं सो उठ कर आई हूँ, कैसे दिख रही थी। और आज मेरे हस्बैंड का मूड भी ऑफ है, देखो कैसे दिख रहे हैं, फेक हंसी हंस रहे हैं। तो आज आप सबको अपने घर का बाहर दिखा दी, कैसा लगा बताओ। और ये राम फल का पेड़ है, एक और है छोटा छोटा, और इधर खूब सारे फल हैं। ये देख पा रही हूं, हां बहुत मीठा होता है, एकदम बहुत ज्यादा मीठा होता है, और बहुत खाई चाशनी टाइप लगता है। मेरे को मीठा नहीं लगता, खट्टापन जैसा लगता है, एकदम पकता है तो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। ये देखो ये पेड़ में ना दो पेड़ है, इसी पेड़ के ऊपर ना आम का भी पेड़ है। तो आम और पीपल दोनों पहले फलता था, वो बरगद है क्या? बरगद नहीं है, हाँ बरगद और आम का, लेकिन मैं फला हुआ नहीं देख रही थी। इस बार भी नहीं फूला है, कहाँ फूला है उस पर। ऊपर कपड़ा निकालने, तो देखिए मैं सारी सूख गया है, निकाल रही हूँ। तो आप सबसे मिलते हैं नीचे जाकर, पहले मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ। देखिए मैं ऊपर से आ गई हूँ और मेरे हस्बैंड क्या कर रहे, देखिए इतनी ठंड है ना कि चादर लेके ब्लैंकेट लेके सो गए हैं। और मैं कर रही हूँ, देखो इतनी सारी डब्बा निकल गई है, तो ये चना की है। तो उस दिन हम लोग लाए थे ना लीम पत्ती तोड़ के, मैं बताई थी, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। ये देखिए मैं चने डब्बे पर लीम की पत्तियाँ डाल रही हूँ ताकि कीड़े ना आए। और ये डब्बा खाली की हूँ, इसमें का झिरगा इसमें है, देखिए।
और हमारे पास इतना झुरगा है, एक डब्बा उस साइड रखा हुआ है और ये दो डब्बा झुरगा है जिसमें मैं ना नीम की पत्तियाँ डाल रही हूँ, देखिए और मिक्स कर रही हूँ। तो इधर के लोग इसे झुरगा बोलते हैं और मेरी माँ बोल रही थी कि ये झुरगा नहीं है, कुछ और है। और ये देखो इधर का गोल गोल झुरगा रहता है, रायपुर का लंबा लंबा सेम ना उसके जैसे रहता है, बरबट्टी भी जैसे। अरे कुछ अलग है। और जिमी कांदा भी है जो सूखा कर सुखा कर रखी थी, इसमें भी मैं ना नीम का पत्तियां जो है डाल दूंगी ताकि ना जो कीड़ा लग जाते हैं ना, घुना कीड़ा जो आटा वाटा में लगता है, हाँ गेहूँ में लगता है वैसे वाला कीड़ा आ जाता है ना, इसीलिए मैं नीम की पत्तियां डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए और कितनी प्यारी लग रही है ना इनकी दाना, और ऐसे खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, चने के जैसे लगता है। अगर इसे भून के खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है चने के जैसे, और सब्जी में भी अच्छा लगता है। आलू के साथ बनाती हूँ मैं इसे, आप लोग किसके साथ बनाते हैं बताना। वैसे तो इसे किसी भी सब्जी में मिक्स किया जा सकता है, लेकिन उस दिन मैं ना इस आलू में और झुरगा में बड़ी डाल दी थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे जी, अच्छा नहीं लगा, टेस्ट थोड़ा अलग लगा बोल रहे थे। आलू और झुरगा बस रहता है तो अच्छा लगता है बोलते हैं, और मैं जो है सोयाबीन का बड़ी डाल दी थी। तो चलो ये तो मैं पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। रुको तो जी, बंद करो। देख लीजिए हमारा ये झुरगा है, चना है, और ये झुरगा और ये मसूर है। तो सभी को मैं डब्बे में भर ली हूँ। नीम की पत्तियाँ थोड़ा सा बच गई है, और इसे पूरी तरह से हमने धूप में एक हफ्ता सुखाई है। उसके बाद देखो इसकी आवाज़ देखो, तो इस तरह सुखा के ना हम इसको इस तरह से ऐसे ऐसे तोड़ के इन डब्बों में डाल दिए हैं। अब देखना इसमें कि एक साल हो जाएगा, दो साल हो जाएगा, फिर भी इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये है देसी ट्रिक, अब भी अपनाइए और अपने स्टोर किए हुए चीज़ों को कीड़ा से बचाइए। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डब्बा तो मैं जमाती ऊपर आप सबको दिखाती हूँ, देखिए सारा डब्बा ऊपर जमा दी और उस साइड का ना खाली कर दी हूँ, उस साइड कम कम डब्बन लग रहा है और उधर दो लड़पुरन लगा दी हूँ। और अभी जो है इतना सारा मटर छिलूंगी, टमाटर की चटनी बनाऊंगी, शाम का टाइम है तो चलो हम छिलते हैं मटर। तो देखिए सरिता, मटर छिलते छिलते इतना सारा छिल ली है, अब कितना सारा बनाओगी आप? सबको छील के फ्रिज में रखती हूँ जी। अच्छा, इसलिए इतना सारा छील रही हैं। मटर के साथ साथ मिर्ची भी लेके बैठी हैं, क्या तीखा तीखा बनाएगी क्या? मिर्ची आपके लिए लाई हूँ तलने के लिए। ठीक है।